दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ गूगल ड्राइव के बारे में। वैसे मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों गूगल ड्राइव ना सभी के फोन में होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उस बारे में सोचते तक नहीं है, लेकिन आपके फोन का वो सबसे ज्यादा अहम चीज होता है। अहम मतलब इम्पोर्टेंट। आपके फोन में जो वीडियो है, फोटो है, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कुछ लोग तो फोन के कैमरा को यूज नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ना फोन के फोटो जो वगैरह लेते हैं उसे रखना चाहते हैं मेमोरी के लिए। अपने किसी अपने फैमिली में बच्चे किसी का भी फोटो वगैरह लिया, उसको चाहते हैं आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना, 10 साल 5 साल वो आप रख पाएंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मेमोरी वाली फोटो वगैरह आप रख सकते हैं। तो वीडियो को आप देखते रहिए, हमने बताया है गूगल ड्राइव के सीक्रेट फीचर के बारे में, जिससे सबके फोन में तो होता है लेकिन जानता कोई नहीं है उसके बारे में। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाली है, और ये कभी डिलीट हो जाए, फोन टूट जाए, फूट जाए, कोई टेंशन नहीं है, सब फोटो आपका सेव रहेगा। लेकिन देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब पहले से करके रखे हैं तो बहुत ही थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। वीडियो को देखिए शेयर करने का बटन है, शेयर पे क्लिक करके व्हाट्सएप में, ग्रुप में, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जाने। कमेंट में आपको लिख देना है, कमेंट में लिख देना है बेस्ट मोबाइल सेटिंग, या फिर बेस्ट मोबाइल सेटिंग ही लिख दीजिए, बेस्ट मोबाइल सेटिंग आपको लिख देनी है, या फिर बेस्ट गूगल ऐप लिख दीजिए कमेंट में, जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। अब चलिए, हमने टाइम तो काफ़ी ले लिया, अब चलते हैं ट्रिक की ओर। आपको देखिए ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, अगर आपने इसको अपडेट नहीं किया है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके इसको अपडेट कर लीजिए। अब देखिए ये 10-15 एप्लीकेशन का, तो 10-15 MB का एप्लीकेशन ही है। इसके अंदर जाइएगा ना तो यहाँ पे देखिए आपको अपना जीमेल दिखेगा। देखिए इस जीमेल को आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये जीमेल या फिर जो जीमेल आपका रहेगा दूसरा वाला उसको याद रखिए। इससे फायदा होगा कि आप जब फोटो आपका डिलीट हो जाएगा ना तो यही जीमेल आप दूसरे फोन में डालेंगे तो आपका फोटो आ जाएगा। जैसे कि अगर आप अपने सिम में नंबर जो रखते हैं, चाहे वो सिंपल मोबाइल में डालिए या कोई एंड्रॉयड में डालिए, आपका सिम आ जाता है ना, उसी तरीके से आपका ये नंबर और आईडी ये जो है ना इसको याद रखना है, वर्क मतलब जो आपका अथी रहेगा ना, मतलब जीमेल, उसको याद रखिए। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसे हम फोटो डालेंगे। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए फोल्डर मिल गया, फोल्डर पे क्लिक करिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्कूल फोटो, स्कूल फोटो, और एक और बनाते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं, प्लस पे क्लिक करिए, एक और फोल्डर बनाते हैं। अब इस बार लिखते हैं 2021 फोटो, 2021 फोटो, एक और फोल्डर बना लेते हैं मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी हमने बना लिया। ये देखिए तीन फोल्डर हमने बना लिया, एक तरह से जैसे फाइल मैनेजर में आप फोल्डर बनाते हो ना, वही काम इसी तरह से है, लेकिन इसका यूज तो जानिए बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए मुझे फोटो जो डालना है, मैं 2021 पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर आ गए, इस फोल्डर के अंदर मुझे 2021 का 4-5 फोटो रखना है। अगर आपको 400 या 500 फोटो रखना है तो वह भी रख सकते हैं। तो प्लस पे क्लिक करिए, अपलोड पे क्लिक करिए, फिर से देखिए मैं वापस जाता हूँ, प्लस पे क्लिक करिए और अपलोड है, अपलोड पे क्लिक करिए, गैलरी पे क्लिक करते हैं हम। गैलरी किधर है, गैलरी, गैलरी, गैलरी पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम एक दो कोई फोटो ले लेते हैं। किधर है भाई, एक भी फोटो नहीं मिल रहा है, एक फोटो, दो फोटो, और फोटो किधर है, दो फोटो तो सिलेक्ट कर दिए, और एक डाल देते हैं। सो हम यहाँ पे दो फोटो सिलेक्ट कर दिए, एक और सिलेक्ट करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फोटो, नहीं 8 नहीं यार, इतने ही रहने दो, 5 फोटो ही रहने दो, सॉरी करंट लाइट को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 फोटो हमने सिलेक्ट कर दिया, 5 फोटो को सिलेक्ट करने के बाद डन कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। अब देखिए ये बोल रहा है वाईफाई अपडेट करने के लिए, मेरा डाटा चालू है,
फिर देखिए 5 अपलोड पॉज लिखा हुआ है, इसको रिज्यूम कर दीजिए। अब देखिए ये फोटो अपलोडिंग होना शुरू हो चुका है, ये देखिए बस अपलोडेड 1 फाइल और होगा, अपलोड एक हुआ और होगा, यार एक ही होगा क्यों पता नहीं और रुक गया। इसको अपलोड पे क्लिक करते हैं, इंटरनेट आपको चालू रखना है यहाँ पे। ये देखिए जैसे अपलोडिंग हो रहा है ना, इस पर भी क्लिक कर दें, इस पर भी क्लिक कर दें, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर जो 4 फोटो डाला, थोड़ा इंटरनेट कम है इसीलिए लेट हो रहा है अपलोडिंग में, लेकिन ये जो है एक जैसे अपलोड हो गया। अब अगर जो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो भी अगर डिलीट कर देंगे ना, अपने फ़ोन से अगर जो फ़ोटो डिलीट कर देंगे, तब भी ये फ़ोटो आपको ये फोल्डर, जिस फोल्डर में आपने डाला है उस फोल्डर में आपको फोटो दिखता रहेगा। वैसे ही अगर मुझे मेमोरी के अंदर 1-2 फोटो डालना है तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, अपलोड पे क्लिक करूंगा और एक फोटो चलो यही डाल देते हैं, इसको ही हमने डाल के सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए ये आया इस तरह से, इसको भी रिज्यूम कर देना है। ये देखिए अपलोडिंग शुरू हो गया, ये भी अपलोड हो जाएगा तुरंत। ये देखिए अपलोडेड, अपलोडेड मतलब ये देखिए अभी हो गया, ये बस ऐसे ही दिख रहा है, ये देखिए अपलोड हो गया ना। वैसे ही आपको और फोटो डालना है तो और फोटो अपलोड करिए और यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, तो ऐसे ऐसे ही। और हमने आपको फोल्डर बनाना इसीलिए सिखाया क्योंकि जब आप 100, 200, 500 फोटो अपलोड करेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, लेकिन जब फोल्डर के अंदर आप सेपरेट रखिएगा ना तो आपको सभी फोटो का जानकारी रहेगा कि हाँ ये मेरा 2021 का फोटो है या 2022 का फोटो है, ये मेरा स्कूल का फोटो है, ये मेरे मेमोरी फोटो है, ये फैमिली फोटो है, ये मेरा डॉक्यूमेंट फोटो है। तो ये जो है कभी डिलीट नहीं होगा, अगर जो ये जीमेल अगर आप याद रखेंगे ना तो फिर कभी भी नहीं डिलीट होगा, ध्यान रखिएगा यही जीमेल जरूरी है। और बस यही आपको जानकारी देना था दोस्तों, बस आपको दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देनी है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।